प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अपना नया चैप्टर सम्मिश्र संख्या स्टार्ट कर रहे हैं। सम्मिश्र संख्या, देखिए ध्यान देना, सम्मिश्र संख्या आप कहते किसे हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा देखिए, एक संख्या जिसे x प्लस आयोटा y के रूप में लिखा जा सके, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। एक संख्या जिसे x प्लस आयोटा y, ये आई है, इसको क्या बोलेंगे? आयोटा। एक संख्या जिसे x प्लस आयोटा y के रूप में लिखा जा सके, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। देखिए, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को प्राय जेड से व्यक्त किया जाता है। देखिए, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये तो आपको सम्मिश्र संख्या लिखना है, लेकिन इसके साथ जो ये प्रतिबंध है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित काफी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या माना कि सम्मिश्र संख्या, आज हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया है और आज से आपको रेगुलर वीडियोस देखने हैं। और हमने एक टॉपिक असमी का पढ़ाया, लेकिन जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे तो उसको हम दोबारा से कराएंगे। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या की परिभाषा, एक संख्या जिसे x प्लस आयोटा वाई, ये आयोटा क्या होता है ये भी थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ, x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखा जा सके, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। सम्मिश्र संख्या को प्राय कैपिटल जेड से व्यक्त किया जाता है। देखिए, जेड इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई, जहाँ x और y क्या होने चाहिए? r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, आप लिख भी सकते हो इसको, x तथा y दोनों वास्तविक होने चाहिए, जहां x तथा y दोनों वास्तविक होने चाहिए। देखो, पहले मैं बात करूंगा आयोटा की, उस आयोटा के बाद हम x और y पर आएंगे। तो पहले मैं बात आयोटा करता हूं कि आयोटा का जनरेशन हुआ तो कैसे हुआ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि x ये भी वास्तविक होना चाहिए, ये भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और आयोटा क्या होता है, इस आयोटा के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो देखिए, अब देखिए, हम एक बार अज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, कोई हमारे पास द्विघात समीकरण है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, और एक्स इक्वल टू क्या करेंगे? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन, ये लिखते हैं। अब देखो, ये जो आयोटा है उसका मान क्या होता है? अंडर रूट का माइनस वन, और आप इसे भी लिख सकते हो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। एक बात याद रखना कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट का माइनस वन होती है, और ये जो आयोटा होता है ये एक काल्पनिक होता है। और साथ में बता दूं, एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आयोटा को किस भाषा से लिया गया है, तो आयोटा को ग्रीक या यूनान भाषा से लिया गया है। और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको लेटिन करना है। अगर देखिए, सबसे पहला ये सही है, दूसरे नंबर पे ये सही है, और तीसरे नंबर पे ये, मतलब अगर एग्जाम में आता है कि आयोटा को किस भाषा से लिया गया है तो आपको ग्रीक बताना है। अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं है तो
तो आपको यूनान बताना है, और यूनान भी ऑप्शन में नहीं है तो आपको लेटिन बताना है, और जब तीनों ऑप्शन हो तो आपको ग्रीक को बताना है। दूसरे नंबर पे यूनान, तीसरे नंबर पे लेटिन। मतलब मैंने ये आपको देखो, लेटिन तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जब ये दोनों नहीं है तो फिर इसको बोलोगे लेटिन को। आगे बात समझ में, लेटिन तो गलत है वैसे, लेकिन जब ये दोनों नहीं आए तो लेटिन चल जाता है। अप्रोप्रिएट मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब सबसे अच्छा उत्तर कौन सा रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आयोटा की बात कर ली आपने, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट का माइनस वन। अब उसके बाद देखिए, आयोटा इक्वल टू रूट में माइनस वन। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूं तो ये अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर, और ये होता है माइनस वन का, माइनस वन होगा क्योंकि स्क्वायर है। ऐसे ही देखो आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब होगा आपके पास, आप इसको क्या लिख सकते हो आयोटा क्यूब को, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा की पावर वन। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस एक, और यहां आयोटा तो क्या आ गया माइनस आयोटा। ऐसे ही अगर आपको आयोटा फोर के बारे में कोई कहे तो क्या करोगे, माइनस क्या लिखोगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी माइनस वन का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है वन। तो मेरा कहने का मतलब समझना कि मैं ये भी मेंशन कर देता हूं कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल करने पर काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है, काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल करने पर काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। तो हमने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, और हमने यहां पर इसका स्क्वायर रूट लिया तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन है, और अंडर रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है आयोटा, और आयोटा क्या होता है काल्पनिक होता है, और ये आयोटा कहां से लिया गया है, ग्रीक या यूनान भाषा से लिया गया है, और ग्रीक और यूनान अगर विकल्प में नहीं हो, ऑप्शन में नहीं हो, तो हमें लेटिन यूज करना है। और उसके बाद आयोटा आपके पास अंडर रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट माइनस वन का होल स्क्वायर करने पर हमें माइनस वन मिलेगा कंप्लीट। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा की पावर वन, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या है माइनस वन, तो आपने माइनस वन इंटू आयोटा ये करोगे तो आपको माइनस आयोटा मिल रहा है। देखो ये मैं डॉट लगाया हूं, ये पॉइंट नहीं है, ये गुणा का साइन है। ऐसे ही आयोटा फोर है, ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, ये कहां से आया, यहां से आया है आयोटा स्क्वायर माइनस वन, और माइनस वन का स्क्वायर वन है। तो आप इन सबको इकट्ठा करके एक लाइन लिख सकते हो कि, और ये जो आपको मैं नोट सेंड करूंगा ये बिल्कुल व्यवस्थित भेजूंगा, आप इसकी चिंता ना करें। आप केवल अभी इन पर इस वीडियो को देखते हुए अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करें। तो आयोटा इक्वल टू रूट का माइनस वन, आयोटा स्क्वायर होता है रूट माइनस वन का स्क्वायर यानी माइनस वन, बिल्कुल। आयोटा क्यूब की वैल्यू आप इसे घटा दो, डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको, इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा, और आयोटा फोर का वैल्यू होता है वन, और ये सभी को याद रखना है कि आयोटा की वैल्यू रूट माइनस वन, इसका माइनस वन, इसका माइनस आयोटा, इसका वन। तो आई होप आपको आज जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा, तो यहां तक का आप अच्छे से करिएगा, और जो बच्चे नए हैं उन्हें बोल दूं कि उन्हें आज की क्लास से रेगुलर वीडियोस देखने हैं, पूरा समझ में आएगा उनको, और टॉपिक के बीच में समझोगे तो बड़ी दिक्कतें आती है। तो इस प्रकार से आज अपनी क्लास फिनिश हुई, आज के लिए इतना ही।